देश में एक तरफ अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में नई सरकार ने राम वन गमन पथ के निर्माण को अपनी पहली प्राथमिकता बताया है, जिसको लेकर अब मोहन यादव की सरकार ने तैयारियां जोरों पर शुरू कर दी हैं। देखिए, राम वन गमन पथ का खत्म होगा इंतजार, अब न्यास में दो मैनेजर की नियुक्ति को तैयार। मोहन सरकार ने इस ओर बढ़ाए कदम, लोकसभा चुनाव से पहले माहौल गरम। 16 जनवरी को चित्रकूट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास की पहली बैठक ली, जिसके बाद अब सरकार ने न्यास में मैनेजर नियुक्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। संस्कृत विभाग ने श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास में 2 मैनेजरों की नियुक्ति का फैसला किया है। मैनेजर 1 साल के लिए नियुक्त किए जाएंगे, जिसको लेकर संस्कृत विभाग ने 5 फरवरी तक 65 साल की उम्र तक के एक्सपर्ट से आवेदन मांगे हैं। जहां जहां प्रभु राम के चरण मध्य प्रदेश की भूमि पर पड़े हैं, उन सभी स्थानों का विकास करने की जो हमारी जिम्मेवारी है, उसको हम विकसित करेंगे और उसके लिए जो जो करना होगा वो सब करेंगे, परंतु प्रभु राम का भव्य दिव्य राम वन गमन पथ यहाँ से बने, इसकी चिंता सरकार को है। श्री राम वन गमन पथ के लिए सदस्यों और सदस्य सचिव के नाम सरकार पहले ही फाइनल कर चुकी है, जिसमें CM अध्यक्ष हैं और धर्मस्व मंत्री या मुख्य सचिव भी इस न्यास में शामिल किए गए हैं। दरअसल सरकार लोकसभा चुनाव के पहले इस मामले में जमीनी काम शुरू करना चाहती है। राम गमन पथ प्रोजेक्ट जल्दी शुरू होगा और बजट आ रहा है, इसमें भी उसके लिए कुछ प्रावधान रहेगा। उस पर चर्चा ये हुई है कि जो भगवान राम के प्रमुख स्थान है, जहाँ भगवान राम के चरण पड़े थे, उनको कनेक्ट करने का और विकसित करने का उस पर चर्चा हुई, और सबसे पहले चित्रकूट पर फोकस किया जाएगा जहाँ भगवान राम 11 वर्ष से दीक्षा लेते हैं। बता दें कि राम वन गमन पथ वह मार्ग है जो भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास के समय अपनाया था। ये मार्ग अयोध्या से शुरू होकर श्रीलंका पर खत्म होता है। राम वन गमन पथ हिंदू धर्म में बहुत पूजनीय है, क्योंकि भगवान राम के जीवन की बहुत सी प्रमुख घटनाएं इस मार्ग पर घटी हैं। ये पथ भारत के 10 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7, भोपाल।